नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैमसंग का टैबलेट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं कि ये आपके लिए क्यों अच्छा है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेटर है। सबसे कम प्राइस में ये सैमसंग का टैबलेट क्यों अच्छा है, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, सब आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये टैबलेट आज ही आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है आज ही। और ये सैमसंग का टैब है, ए8 मॉडल है सैमसंग का। और इसकी प्राइस जो है दोस्तों बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। इसका प्राइस क्या है फ्लिपकार्ट पे, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, इस पर बहुत ही ऑफर चल रहा है। अब इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलता है। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जब इसे अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर सैमसंग का टैब मिलेगा। सैमसंग का टैब है, देखिए कितने सेफ्टी के द्वारा इसे रखा गया है इसमें। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या इसके साथ हमें मिला है। तो इसका बॉक्स हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसके बॉक्स में एक केबल मिला है, इसके चार्जिंग के लिए एक केबल है दोस्तों, आपका सी पॉइंट केबल है। और इसमें एक चार्जर मिला है एडाप्टर। बाकी हम बात करें दोस्तों तो इसमें इसके बॉक्स में एक सिम पिन मिला है, जो सिम का चाबी आता है यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसके बात करें तो इसके बॉक्स में और कुछ आपको नहीं मिलने वाला है चार्जर के अलावा, बस सिंपल सा आपको चार्जर इसमें मिलने वाला है। और ये स्लिम बॉडी है, बहुत ही देखा जाए तो इसकी क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, एकदम स्लिम बॉडी है, पतली सी है ये टैबलेट। और बहुत ही कम प्राइस में एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिया जा रहा है। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही बड़ी डिस्प्ले है। यहाँ पर अगर देखें इसका बैक का तो ये दोस्तों ग्रे कलर का है, बहुत ही अच्छा मॉडल्स भी यहाँ पर सैमसंग की तरफ से दिया गया है। इसे हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टार्ट करने के बाद। दोस्तों आप देख रहे हैं कि टैब स्टार्ट होगा। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हैं, फुल एचडी में इसकी डिस्प्ले है। और यहाँ पे आप इसे, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप दोस्तों 4G सिम का यूज कर सकते हैं। बहुत टैब ऐसे होते हैं जिसमें बस वाईफाई कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें आप 4G सिम का यूज कर सकते हैं। और इसकी डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो डिस्प्ले इसका एकदम फुल एचडी में है। दोस्तों इसकी फीचर्स की हम बात करें तो दोस्तों इसमें 4GB रैम है आपका, 64GB रोम है, मतलब इसमें इंटरनल आपको 64GB मिल जाए। इसमें दो वैरायटी है, एक 3 और 32 है, और एक वैरायटी इसमें है दोस्तों 64। इसमें दोस्तों एक्सपेंडेबल है, इसमें आप SD कार्ड लगा के 1 TB तक इसके मेमोरी कार्ड को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इसमें फीचर्स दिया गया है इस टैब में। और इस टैब में दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों 26.67 सेंटीमीटर, मतलब दोस्तों 10.5 इंची का फुल HD डिस्प्ले है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का इसका प्राइम कैमरा है। और आपको पता है दोस्तों कि टैब में कैमरे की अगर हम बात क्वालिटी करें तो बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छा कैमरा नहीं मिल सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको 50-60 हज़ार से ऊपर जाना पड़ता है जो अच्छा कैमरा मिलता है। लेकिन इसमें कैमरे की क्वालिटी अभी हम आपको दिखाऊंगा कि इसका कैमरा की क्वालिटी कैसा है। फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों तो 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, लेकिन ये सैमसंग का है, ब्रांडेड है। इसका कैमरा मेगापिक्सल पे नहीं चलता है, लेकिन कैमरे में जो लेंस यूज़ किया जाता है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का लेंस यूज़ किया जाता है, कम मार्जिन पर भी आपको अच्छा खासा फोटो दे सकता है। इसकी एंड्राइड की बात करें तो 11 वर्जन इसमें दिया गया है, और आपको आने वाले समय में इसमें आपको अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे अपडेट कर सकते हैं, 12 वर्जन भी आ जाएगा अपडेट, क्योंकि सैमसंग इसमें अपडेट बहुत दे रहा है। इसमें अच्छी क्वालिटी आ गई है। बैटरी की बात करें दोस्तों तो 7040 mAh की इसकी बैटरी है, बैटरी भी धांसू है। प्रोसेसिंग की बात करें दोस्तों तो ऑक्टा कोर प्रोसेसिंग है। थोड़ा इसका प्रोसेसिंग हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑक्टा कोर प्रोसेसिंग दे दिया इतना फीचर्स देने के बाद, लेकिन अगर प्राइस में देखा जाए तो प्रोसेसिंग भी इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मॉडल की बात करें दोस्तों तो ये सैमसंग है, सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 मॉडल है ये, 4 और 64, मतलब 4GB रैम और 64GB रोम की इसमें दिया गया है। वाईफाई और 4G इसमें कनेक्ट होता है। अभी आपको हम बताए हैं कि दोस्तों सबसे फायदा ये है कि इसमें वाईफाई लगेगा, और इसमें आप एक सिम लगा सकते हैं वो भी 4G। और इसमें दोस्तों जो सिम आपका यहाँ चलेगा 4G 2G 3G भी चलेगा, 4G सपोर्टेबल टेम सिम है, इसमें नैनो सिम लगेगा। इसकी चार्जिंग की बात करें दोस्तों तो 15 वाट फास्टिंग चार्जिंग है, जो कि एक टैब के लिए सही नहीं है। इसमें चार्जिंग में थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए था, लेकिन बहुत ही सही है। तो भी देखा जाए तो 1.5 घंटे 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा आपका, बैटरी के हिसाब से देखा जाए 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 15 वाट फास्टिंग चार्जिंग इसमें दिया गया है। और इसमें हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 90
9020x2000 पिक्सल का इसका डिस्प्ले रिजोल्यूशन है। अभी हमको बताया कि फुल एचडी डिस्प्ले है। प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें दोस्तों तो 2 GHz इसका प्रोसेसिंग है। नॉर्मली प्रोसेसिंग 2 GHz रहता है, अगर उससे कम होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। इसमें दोस्तों अगर फ्रेम रेट की बात करें तो 30 फ्रेम रेट है इसमें, जो कि एक वीडियो क्वालिटी के लिए 60 अगर रहता और 120 रहता तो थोड़ा बहुत ही अच्छा वीडियो क्वालिटी इसका आता, लेकिन 60 फ्रेम रेट है तो भी काम चलाऊंगा। इसे आप अच्छे से वीडियो भी शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें HD रिकॉर्डिंग हो जाएगी और इसकी ब्लूटूथ की बात करें तो वर्जन 5 है, बहुत ही अच्छा ब्लूटूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। कलर्स की बात करें दोस्तों तो 6M इसका कलर है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले कलर है। बाकी इसमें बात करें दोस्तों तो माइक्रो एसडी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। आपको बताया दोस्तों कि जो इसका एक्सटर्नल है उसे आप बढ़ा सकते हैं 1 TB तक कर सकते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं 1 TB तक आप इसे कर सकते हैं SD कार्ड लगा के। ए टाइप हमें बहुत ही अच्छा लगा, अब इसको चलाने पे पता चलेगा कि इसमें क्या है, लेकिन दोस्तों जो भी है बहुत ही कम प्राइस में है और ये टाइप आपको Amazon Flipkart पे मिल जाएगा। Amazon पे इसकी प्राइस है दोस्तों 20,990 रुपया, अगर 4/64 लेते हैं तो और 3/32 लेते हैं तो इसकी प्राइस कुछ कम हो जाएगी, लेकिन अगर 20,000 में देखा जाए टैब तो दोस्तों ये सैमसंग का जो टैब है बहुत ही बेस्ट है। तो आई होप कि आप इसे इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आए तो शेयर करके लाइक कर दीजिएगा, अपना वीडियो पहली बार देख रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।